एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास था बाय सब्स्टिट्यूशन, मेन टू से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कंसीडर करना, आफ्टर दैट उसकी इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना। इसी में ही हमारे पास नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसकी हेल्प से मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो सबसे पहले एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं, उसके थ्रू आप इनको समझने की कोशिश करिएगा। फॉर एग्जांपल, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 dx। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को आप फाइंड आउट करिएगा। सो इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो डिनोमिनेटर में है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो न्यूमिनेटर में है वो क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो अगर आप इसको कोई भी फंक्शन कंसीडर कर रहे हो तो आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसमें क्या है, इसका डेरिवेटिव है। ध्यान से देखिएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x प्लस 9 एंड हियर इज 2x प्लस 9। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जो भी आपको फंक्शन दिख रहा है उसको जस्ट फिल करिएगा एनी अदर वेरिएबल। सो पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस c इज इक्वल टू से t इज एनी अदर वेरिएबल बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, 2x प्लस 9 साथ में dx इज इक्वल टू dt। सो बैक इनको फिल करो, क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 9 dx जो है वो किसके इक्वल है, dt अपॉन ये जो फंक्शन था इसको हमने क्या कंसीडर किया है, t। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय t इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt। 1 बाय t विद रिस्पेक्ट टू t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, दिस इज इक्वल टू log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो क्या होता है, log mod x प्लस c। अब जो x है उसकी जगह पे एक और वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन सा है, t। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt इज इक्वल टू log mod t प्लस c। दिस इज फर्दर इक्वल्स टू log mod t, t हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस c, सॉरी प्लस 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जस्ट इट इज इक्वल टू log mod of that function plus constant of integration. So this is your first result. First result के according क्या है, integration of any function say f of x whose derivative is f dash x, जो कि क्या है, numerator में होना चाहिए, denominator में function है, तो उसकी integration क्या होगी, log mod of that function plus constant of integration. So दिस इज वेरी इजी। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड, सो दैट आपको ये क्लियर हो रहा है अच्छे से। सपोज आपसे कोई पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ से 4x प्लस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 dx। सो आपको क्या है, दिख रहा है यहाँ पे वेरी इजिली ये फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है जो न्यूमिनेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो इसका डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करिएगा, 2 आगे आएगा, 2 इंटू 2 4 एक्स हेयर प्लस 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 3। सो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, दिस इज इक्वल टू log mod दैट फंक्शन। फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर तो आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो एज इट इज करना होगा, जो भी फंक्शन है उसको t कंसीडर करो, अगेन आफ्टर दैट लास्ट में इंटीग्रेशन होगी 1 बाय t विद रिस्पेक्ट टू t। तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log में, एंड योर आंसर इज log mod ऑफ दैट फंक्शन। इस केस में वो फंक्शन कौन सा है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इनटू log x dx। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करना है,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू लॉग एक्स डीएक्स। अभी तक हमने एक ही रिजल्ट को पढ़ा है, उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो इसकी इंटीग्रेशन हम बता सकते हैं कि वो क्या होगी, लॉग मॉड ऑफ दैट फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कहाँ पे है, उसका डेरिवेटिव कहाँ पे है। तो देखिएगा ध्यान से, जो log x है, अगर आप इसको फंक्शन कंसीडर कर रहे हो तो log x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 1/x, वो हमारे पास ऑलरेडी है। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अपॉन log x प्लस, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अपॉन log x dx। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log मॉड ऑफ दैट फंक्शन। फंक्शन कौन सा है, इट इज log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, से पुटिंग log x इज इक्वल टू से एनी अदर वेरिएबल, और वो वेरिएबल कौन सा है, t। तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, 1/x dx इज इक्वल टू dt। सो यहां से ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1/x dx, वो किसके इक्वल है, dt अपॉन log x, क्या कंसीडर किया था इसको, t। तो 1/t विद रिस्पेक्ट टू t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, log mod t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो t किसके इक्वल था, log x। सो दिस इज इक्वल टू log mod log x प्लस c। सो जस्ट ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको क्या करना होता है, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव, बस इतना ही काम है कि फंक्शन को ढूंढिए कहाँ पे दिख रहा है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी। बट ध्यान में होना चाहिए कि जो फंक्शन है वो हमारे पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए और जो उसका डेरिवेटिव है वो कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमिनेटर में। तो उसकी जो इंटीग्रेशन है जस्ट वो क्या होगी, लॉग मॉड ऑफ दैट फंक्शन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, साइन 2x अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x dx। दिस इज द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा कि इसको कैसे करना होगा। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट थिंग, अभी तक हमने एक ही रिजल्ट पढ़ा है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। सो आपको ध्यान देना है कि न्यूमिनेटर में क्या आपको कोई फंक्शन दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। डिनोमिनेटर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो क्या होगा, टू जो है वो आगे आ जाएगा, टू साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होता है, साइन टू एक्स। तो ये रहा फंक्शन और ये रहा उसका डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट बता सकते हो कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग मॉड ऑफ ये वाला फंक्शन है जो हमारे पास। अब देखिए इसको करना कैसे है, जो भी फंक्शन आपको लग रहा है उसको जस्ट टी फिल करिएगा, पुटिंग ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू से एनी अदर वेरिएबल टी। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको टी ही कंसिडर करना है, वाई भी कंसिडर कर सकते हो, इट इज अप टू यू। सो डिफ्रेंशिएट, इसको डेरिवेटिव करिए, ए कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जो पार है वो आगे आएगी टू, साथ में कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस बी टू आगे आएगा साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साथ में जो है डिफरेंशियल दैट इज डी एक्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, डी टी। सो फर्दर देखिए, इन दोनों में से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस ए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो क्या होता है, साइन टू एक्स, प्लस बी हेयर इज ऑल्सो साइन टू एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है अगर आपको अभी तक याद होगा तो, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, एक्स। सो दिस इज इक्वल टू टेकिंग साइन टू एक्स आउटसाइड, यहाँ पे क्या है, बी पॉजिटिव, हेयर इज माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। फर्दर दिस इज इक्वल टू
साइन 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन b माइनस a। सो इसकी वैल्यू को यहाँ पे बैक फिल करिएगा, देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। सो अगर यहाँ पे आप फिल कर रहे हो, सबसे पहले क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx जो है वो किसके इक्वल है, dt अपॉन b माइनस a। साथ में जो फंक्शन है इसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, टी, सो इन टू टी, दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए। दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट, बी भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, दोनों को माइनस करोगे तो अगेन क्या होगा, कॉन्स्टेंट। टेकिंग आउटसाइड वन अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी, दिस इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस ए इन टू लॉग मॉड ऑफ टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर आंसर विच इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। और टी को जो है वो बैक फिल करना मत भूलिए। तो ये किसके इक्वल होगा, वन बाय बी माइनस ए लॉग मॉड ऑफ टी। व्हाट इज टी हियर, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है, इसीलिए है बिकॉज हमें दिख रहा है कि एक फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव है वो न्यूमिनेटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमें पता है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग मॉड ऑफ दैट फंक्शन। इस केस में जो ए बी साथ में कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज रहेंगे, इट इज इक्वल टू वन बाय बी माइनस ए। अब देखिए कि हमारे पास जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टेटमेंट में स्लाइटली कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस का मीनिंग क्या है कि वो यहाँ पे ए और बी की कोई और वैल्यू कंसीडर कर देंगे। सपोज इसी में हम चेंज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पे है ए 3 एंड हियर इज बी से 5, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। तो आप लोग क्या करोगे, जस्ट इसको टी फिल करिएगा, एज इट इज सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 बाय बी माइनस ए, व्हाट इज बी हियर, 5, सो 5 माइनस 3 2, 1 बाय 2 लॉग मॉड ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो ये बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से करिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल है। जस्ट इंटीग्रेशन करनी है और वो क्या होती है, लॉग मॉड ऑफ दैट फंक्शन। एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट रिजल्ट पे चलेंगे कि जो सेकंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है उसमें वो क्या बोल रहे हैं हमारे पास। सपोज आपको कोई बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ई रेस टू पावर एक्स डीएक्स, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टाइप। इसमें देखिए क्या है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं कहाँ से आ गया और क्या है। ध्यान से देखिएगा, जो स्टेटमेंट है वो ही आपको आइडिया देती है कि हमें इसका करना क्या है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करना क्या है। अभी तक एक ही रिजल्ट पड़ा है, डिनोमिनेटर में फंक्शन, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। सो साइन स्क्वायर, अगर आप साइन स्क्वायर को भी कंसीडर करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास साइन कॉस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, दैट मीन साइन को हमें कंसीडर नहीं करना। अब साइन के अंदर जो एंगल है उसको ध्यान से देखिएगा, एंगल में क्या है, एक्स ई रेस टू पावर एक्स। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो जो न्यूमिनेटर में है वो क्या है, इसका डेरिवेटिव। सो जस्ट इसको पुट करिएगा, पुटिंग x e raise to power x is equal to say any other variable t, differentiate first function as it is according to the product rule, product rule आपने plus 1 में भी पढ़ा है, first function as it is, derivative of second that is e raise to power x plus second function as it is, derivative of first that is 1 dx is equal to dt, this is equal to x e raised to power x plus e raised to power x dx is equal to dt, taking e raised to power x outside, x plus 1
dx इज इक्वल टू डी टी। सो इनकी बैक वैल्यूज को फिल करो, देखो क्या आ रहा है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वन ई रेस टू पावर x इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल है, डी टी अपॉन, हेयर इज ऑल्सो साइन स्केयर, वो तो एज इट इज रहेगा, उसको हमने कुछ नहीं किया। कंसिडर किसको किया था, x e रेस टू पावर x, क्या कंसिडर किया था, t। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्केयर t विद रिस्पेक्ट टू t। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय साइन, क्या होता है, कोसिकेंड स्केयर t dt। अब कोसिकेंड स्केयर है जो उसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस कॉट t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this is equal to minus cot t, but is t, t is the x e raised to power x plus constant of integration। So इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सकते हो।